मुआवजा इंडस्ट्री के कच्चे माल की पहली किश्त, मुआवजा घर की पहली कहानी हमने आपको सिंगरौली प्रयागराज के प्रस्तावित हाईवे से दिखाई, बताया कैसे सिंगरौली प्रयागराज नेशनल हाईवे के लिए चितरंगी और दुधमनिया के 33 गांव में महीने भर पहले हरे भरे खेत थे, अब वहां मकानों की लाइन है, ईंट की 4 फीट ऊंची चार दीवारी पर टीन शेड और मुआवजा घर तैयार। ठीक वैसे ही स्थानीय नेताओं, अधिकारियों और भूमाफियाओं के गठजोड़ ने रेलवे लाइन के लिए मिलने वाले मुआवजे में भी बड़े पैमाने पर सिंगरौली जिले में ही किसानों की जमीनें खरीदी और उसके बाद दिखावे के लिए मकान के ढांचे खड़े कर दिए। करीब 6 साल से सिंगरौली के 22 और सीधी के 91 गांव में जमीनों का अधिग्रहण हुआ। कई ऐसे गांव हैं जहां लोगों को 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिल पाती है, ऐसे में यहां पक्के मकान के ढांचे देखकर समझा जा सकता है कि खेल क्या हो रहा है। ज्यादातर बैग आदिवासी बहुल गांव हैं, वो भी अब इस खेल को समझ रहे हैं लेकिन कहते हैं मजबूर हैं। हमारे जमीन पर यहाँ बाहर के लोग आके बनाए हैं कि भाई पैसा थोड़ा बहुत दिया नहीं वैसे ही लूट लिया हम लोग की जमीन। एग्रीमेंट भी कर रहे हैं, उसने रजिस्टर नहीं भेजा, 25% देने के बोल रहे हैं। सिंगरौली जिले में देवसर और चितरंगी ब्लॉक के 22 गांव से होकर रेलवे लाइन की पटरी बिछेगी। इन गांव में करीब 2,166 मकानों का अवार्ड भी भू अर्जन अधिकारी ने पारित कर दिया। लगभग 10 गांव के कुछ खसरों को छोड़ दिया गया था, वहां भी अब सर्वे पूरा हो गया है। इन गांव में 1500 से ज्यादा मुआवजा घर बन गए। सब मकान बाहरी लोगों के हैं, यूपी बिहार बंगाल झारखंड यहाँ से सब लोग आके जिनके पास पैसे हैं वो सब लोग मकान बनवाए हैं। उनका उद्देश्य भू अर्जन और इसका मुआवजा लेना है, वो मुआवजा के लिए ये सब मकान 2 मंजिला 3 मंजिला मकान बनवाए। जिनकी जमीन है वो गरीब लोग हैं, खेती किसानी करते हैं, उनके पास पैसा नहीं है, तो पैसे वाले लोग आकर या तो उनसे रजिस्ट्री करा लेंगे कुछ डिसमिल 2-4 डिसमिल, या तो फिर एग्रीमेंट करा लेते हैं, या तो स्टाम्प पे लिखवा लेते हैं, और स्टाम्प पे लिखवा के और यहाँ उनके जमीन पर उनको कुछ पैसे का लालच देकर 10-20% और मकान बना लेते हैं। सिंगरौली जिला पावर कंपनियों का हब माना जाता है। बाकायदा इससे पहले भी मुआवजे को लेकर एक बड़ा गिरोह सक्रिय है। इस गिरोह को जैसे ही पता चला कि इस इलाके में कोई कंपनी आने वाली है या सड़क का निर्माण होने वाला है, गिरोह के लोग सस्ते दाम में आदिवासी परिवारों से जमीन खरीद लेते हैं या फिर एग्रीमेंट करा लेते हैं, उस पर बहुमंजिला इमारत खड़ी कर देते हैं। इसके बाद अधिग्रहण में मोटी रकम वसूली जाती है। ये मुआवजा के लिए बनाया है, कोई नहीं रखता, कुछ तो 25% पर बनवाए हैं, कुछ ऐसे दे दिए हैं बिक्री पर एग्रीमेंट पर। ये मकान तो जो लोग बनाए हैं ये गांव के लोग और बनाए हैं, और कुछ लोग बाहर के आके बनाए हैं। पैसा हो गया ऐसे कुछ 10-5 दे देते हैं, वो भी अभी दिए भी नहीं हैं, पैसा भी नहीं दिए हैं, बोले हैं कि मिलेगा तो देंगे और नहीं मिलेगा तो वो भी नहीं हो पाएगा। अब वो कोई भरोसा नहीं कि देंगे कि नहीं देंगे। पैसे की कमी से निपटने के लिए मुआवजे का दूसरा गणित भी निकाला गया है, सुनिए। किसी का 2 मंजिला है, किसी का 3 मंजिला है, किसी का सिंगल भी है। जैसे कोई अगर बनवाता है तो 2 मंजिले के बाद भी ऊपर बनवा सकता है। किसी का सिंगल मंजिला है उसके ऊपर भी बनवा रहे हैं 1-2 मंजिला। 25% के हिसाब से देते हैं लोग, जिसका मकान है वो 25% लेंगे, इसके ऊपर आपका जो बनेगा वो आपको मिलता है। एनडीटीवी ने मुआवजा इंडस्ट्री की पड़ताल करने के लिए कई एजेंटों से बात की। उन्होंने खुलकर कैमरे के सामने कहा कि यहां 25 से लेकर 30% तक में मकान बन जाता है, मुआवजे की रकम का 70% आपका और 30% हमारा। जैसे हम लोग बनवाए हैं वैसे ही बनवा लीजिए, क्या है, अरे हो गया वही 30 चल रहा है इधर, 25 कहाँ, हम लोग 30 लिए हैं तो और 35-40 लेंगे कि अब तो पर अब 2-3 वर्ष हो गया भाई, अब धीरे धीरे समय बीत रही है, सब चीज का महंगाई है तो भी महंगाई चलेगा भाई, अब क्या करें हम लोग, हाँ मजबूर हैं, 30 हाँ बन जाएगा। सिंगरौली प्रयागराज हाईवे प्रोजेक्ट की तरह ये मुआवजा घर नुमाइश के लिए बने हैं, यहाँ रहता कोई नहीं। वही प्रशासन फिर दोहरा रहा है कि सर्वे के बाद बने घरों को मुआवजा नहीं मिलेगा, हालांकि पहले सर्वे के बाद भी मुआवजा कैसे मिल गया इस पर चुप है। सीरीज हो गया, बने हैं मकान बहुत बने हैं, और बाहर के भी हैं, यहाँ के भी हैं, अधिकतर बाहर के हैं, रहता नहीं है कोई अभी। उसमें जो मकान बने हुए हैं उसमें ये भी प्रावधान रहता है कि क्या मकान सिर्फ ही मुआवजे के उद्देश्य से बना है या फिर उसमें वाकई में उसमें पहले से निवासरत हैं, उसमें बिजली लाइट पानी सभी की व्यवस्था समुचित व्यवस्था है कि नहीं, तो उसी के आधार पे मुआवजा भी दिया जाता है। इसमें
क्योंकि अन्यथा ये शासन के लिए बहुत बड़ा क्षति होता है, राजस्व की बहुत बड़ी हानि होती है। तो जो नए जो मकान बन रहे हैं इसमें मुआवजा का प्रावधान नहीं है, ये विभाग के द्वारा भी घोषणा की जाती है। ललितपुर सिंगरौली रेल लाइन के लिए, रेल लाइन में भ्रष्टाचार हुआ है मुआवजा का, फर्जी मकान के संबंध में। उसके संबंध में पहली तो बात यह है कि इन्होंने प्रकाशन नियमानुसार इसलिए नहीं किए, क्योंकि अगर नियमानुसार प्रकाशन करते उसमें जो परिसंपत्तियाँ भूमियों में हैं वो सब लेख आ जाते, तो इन्होंने परिसंपत्तियों का लेख ही नहीं किए कि किस भूमि में प्रकाशन के समय कि किस भूमि में कौन सी परिसंपत्ति है। और इसके बाद इनका ये खेल शुरू हुआ कि इन्होंने आदिवासी की भूमि पर, हरिजन की भूमि पर, बाहरी लोगों का व्यापक पैमाने पर फर्जी मकान दर्शित करके और उन्होंने आहरण कर दिया। और कुर्सा गांव का है जिसके संबंध में जांच हुई और जांच में पाया गया कि कोई न मकान है न तो यहाँ के लोग भूमस्वामी हैं, जो मकान दर्ज हैं इनका भुगतान न किया जाए। मुआवजा माफिया अधिकारी वर्ग मिल के और भूमस्वामी की भूमि से स्टाम्प पर लिखाते हैं कि भाई 10% 20% आपको दे देंगे, बाकी मकान हम बनाएंगे, मकान का पैसा आप हम ले लेंगे, भूमि का पैसा तुम ले लेना। मुआवजा का पैसा ही सीधे उसी से, जबकि नियम नहीं है लेकिन ये उसी के खाते में डाल देते हैं, भूमाफिया के खाते। इसी रेलवे लाइन प्रोजेक्ट में पन्ना जिला के 32 गांवों में सिर्फ 41 मकान बने हैं, लेकिन सिंगरौली जिले के 22 गांवों में 4,700 मकानों का पहले भुगतान हो चुका है। 10 गांवों के करीब 1500 मकान और 500 भूमि स्वामी के साथ लगभग 2000 लोग मुआवजा पाने की होड़ में रोक के बाद भी इन मकानों का निर्माण करा रहे हैं और प्रशासन जैसे आंखें मूंदे बैठा है। एनडीटीवी ने मुआवजा घरों के काले पहलू को उजागर किया है, क्योंकि जितनी भी विकास परियोजनाएं हैं उसमें प्रशासन की आंखें मूंद लेने से पारदर्शिता की कमी आई है और सरकार जवाबदेही लेने से बचती दिख रही है। भोपाल से अपने सहयोगी रिजवान खान और देवेंद्र पांडे के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी।